नमस्कार आप सभी का मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुकमि प्रकाशन लाइव चैनल से तो आप लोग का लंबे समय के बाद स्वागत है बीच में काफी ज्यादा गैप हो गया आ, होली के हॉलीडेज के लिए तो बहुत दिनों के बाद आप हम आपके सामने में लाइव हुए हैं तो आज हम लोगों का मकसद जो है वो जिस चीजों को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसके आगे कंटिन्यू करना है एस एस के सेट नंबर तेईस होने तो चाहिए 24 नंबर लेकिन एक दिन गैप रहा था मैं छुट्टी पे था इसीलिए एक लेकिन वो 24 नंबर भी मैं किसी न किसी दिन बैकअप में करवा दूंगा उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है ठीक है तो चलिए फिर आज के सेट को डिस्कशन करने से पहले कुछ चीजें सीखी जाए और उसके बाद कुछ चीजें सीखी जाए जो हम लोग करते आए हैं और उसके बाद जो है हम इसको डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग तो चलिए जरा आज हम लोग सीखेंगे बहुत ज्यादा क्रेज आप लोग का रहा है कि सर कैलेंडर बताए क्लॉक का भी कुछ क्वेश्चन हो जाए ठीक है जैसे कि क्लॉक के क्वेश्चन की बात करें तो एंगल फाइंड करना है आपको जैसे कि एंगल अगर आपको फाइंड करना है एट एनी टाइम ठीक है किसी भी समय पर आवर और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो निकालना सीखना है तो कैसे देखिएगा इसमें दो तीन तरह के सवाल होते हैं इसमें दो तीन तरह के सवाल होते हैं ठीक है एग्जाम्पल वाइज बढ़ते जाते हैं वैसे देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है इसका फॉर्मूला भी होता है और फॉर्मूला हर एक क्वेश्चंस पे फॉलो करता है फॉर्मूला क्या होता है सिक्सटी एच माइनस एलेवन एम डिवाइडेड बाई टू 60H minus एलेवन एम डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला पर तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर ही जाएंगे बन ही जाएंगे लेकिन हम चाहते हैं कि फॉर्मूला के बगैर भी क्वेश्चन बन सकता है वैसे फॉर्मूला बेस्ट ऑप्शन है लेकिन फार्मूला के अलावा फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले रहा हूं मिनट अगर फाइव का मल्टीपल होता है जैसे कि एग्जाम्पल सात बज करके बीस मिनट हो रहा है क्या हो रहा है सात बज के बीस मिनट तो पूछा जाएगा कि घंटे और मिनट सुई के बीच में आखिर कितने डिग्री का कोण बनेगा सात बज के बीस मिनट पर घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितना कोण बनेगा तो करना कुछ नहीं है बड़ा आसान सा सिंपल लॉजिक है आपको एक चीज तो पता है कि एक मिनट का मतलब कितना डिग्री एक ये कंसेप्ट दूसरा अगर घंटे की सुई एक मिनट में कितना डिग्री बनाती है आधा डिग्री बनाती है ये बेसिक दो बेसिक कंसेप्ट है आप फॉर्मूला का यूज नहीं भी करेंगे तो भी बनेगा तो पहले मैं फॉर्मूला से समझाता हूं 60H एच माइनस एलेवन हम टू करेंगे तो 60 गुना सात ये भी बड़ा आसान है 11 गुना बीस डिवाइडेड कर दो तो कितना हो जाएगा चार सौ बीस माइनस ग्यारह बटा तो। तो 420 में से 220 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 200 यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 100 डिग्री अब इसी में अगर पूछ देगा बड़े कोण की माप निकालिए तो 360 से घटा देंगे तो 260 डिग्री हो जाएगा ठीक है दूसरा अगर आप दूसरे मेथड से बनाते हैं तो टाइम दिया हुआ है सात बजकर के बीस मिनट एक बात बताइए सात का मतलब कितना मिनट पैंतीस मिनट सात का मतलब पैंतीस मिनट आइए तो मिनट है ही बीस है ना अंतर कितने का ये बताइए दोनों में अंतर कितने का पंद्रह मिनट का अब जरा बताइए आप पंद्रह मिनट में पंद्रह गुना छे नब्बे डिग्री का कोण तो बनेगा ही ना बनेगा पंद्रह मिनट में नब्बे डिग्री क्योंकि एक मिनट में छह डिग्री तो दोनों सुइयों के बीच में अंतर कितने का है पंद्रह मिनट का लेकिन एक बात बताइए क्या सात बज के बीस मिनट पर क्या घंटे की सुई एग्जैक्ट सात पर होगी या आगे चली गई होगी तो आगे चली गई होगी तो ये जो बीस मिनट दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा ये जो बीस मिनट दिया हुआ है बीस मिनट में घंटे की सुई दस डिग्री बनाएगी दस डिग्री का विचरण हुआ होगा बीस मिनट में घंटे की सुई का विचरण कितना हुआ होगा दस डिग्री का क्यों क्योंकि घंटे की सुई एक मिनट में जब आधा डिग्री का विचरण करती है तो दस डिग्री अब ये दस डिग्री कभी कभी क्या होता है दस डिग्री कभी कभी जुटता है और कभी कभी घटता है तो मिनट की सुई यहां पर घंटे की सुई से पीछे है ना मिनट की सुई अभी पैंतीस से पीछे घंटे से पीछे है तो जब पीछे होगी तो ये जुट जाता है और अगर आगे होती तो घट जाता आप यहां से भी आंसर कर सकते हैं कर सकते हैं कि नहीं जरा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से फटाफट फर्स्ट एक और एग्जांपल से समझाते हैं कि यहां तो जुट गया असर घटेगा कब तो अगला एग्जांपल मैं वही लेता हूं कोई भी सवाल हो आप आराम से बना सकते हो कोई भी सवाल और इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगर मिनट पांच का मल्टीपल ना दिया हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे यहां तक कोई दिक्कत सात बज करके बीस मिनट सात का मतलब पैंतीस मिनट मिनट बीस दोनों में अंतर कितने का पंद्रह मिनट का पंद्रह मिनट का मतलब कितना डिग्री नब्बे डिग्री तो बनेगा ही बनेगा लेकिन बीस मिनट में घंटे की सुई दस डिग्री का विचरण की होगी अब दस डिग्री जुटेगा या घटेगा तो मिनट की सुई पीछे है तो जुटेगा अब मिनट की सुई अगर आगे हो जाती तो घट जाता तो अगला एग्जाम्पल मैं वही देने वाला हूं ठीक है अगला एग्जाम्पल जो मैं देने वाला हूं वो वही देने वाला हूं अगला एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर टू जैसे मैंने समय दिया चार बज करके पैंतीस मिनट तो बताइए थीटा का मान कितना होगा आप इससे भी बना सकते हैं फॉर्मूला से भी तो साठ गुना चार और माइनस ग्यारह गुना पैंतीस बटा दो तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा इधर माइनस पैंतीस को अगर 11 से गुना कीजिएगा तो तीन हो जाएगा बटा दो माइनस का मतलब माइनस नहीं अंतर होता है तो तीन में से 200 240 घटाएंगे तो 145 बचेगा क्या बचेगा पचासी में से 40 गया तो 45 तीन सौ में से 200 गया तो एक सौ पैतालीस दो मतलब बहत्तर दशमलव पांच डिग्री हो गया कितना हो गया बहत्तर दशमलव पांच डिग्री तो आखिर ये भी उतना ही आसान है है कि नहीं दूसरा मेथड से अगर आप बनाते हो तो दूसरा मेथड क्या है तो समय दिया हुआ है चार बज करके पैंतीस मिनट अच्छा बताइए चार का मतलब कितना बीस। और ये कहां पर है पैंतीस तो दोनों का अंतर कितना का हुआ ये बताइए दोनों का अंतर कितना हुआ बीस और पैंतीस का मतलब पंद्रह का अंतर मतलब पंद्रह गुना छह टू नब्बे डिग्री तो बनेगा अब जरा बताइए कि ये जो 35 मिनट में घंटे की सुई का विचरण कितना हुआ होगा सत्रह दशमलव पांच डिग्री अब ये झूठेगा कि घटेगा तो अब बताइए कि घंटे की सुई से क्या हो गया वो अभी पीछे है अभी ये क्या हो गई पीछे अब ये क्या हो गई आगे हो गई क्योंकि घंटे की सुई तो 20 पर ही है मिनट की कहां मतलब कहा घंटे की सुई अब अब पीछे हो गई पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पिछले क्वेश्चन में मिनट की सुई पीछे थी इस क्वेश्चन में क्या हुआ तो इस क्वेश्चन में घंटे की सुई पीछे हो गई घंटे की सुई पीछे हो गई तो इस केस में यहां पर साढ़े सत्रह डिग्री घट जाएगा और आंसर हो जाएगा बहत्तर दशमलव पांच डिग्री जरा बताइए कोई दिक्कत नहीं ना समझ गए तो इस चीजों को हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और कंसेप्ट से भी बना सकते हैं आपको जो अच्छा लगे दोनों ही उतना ही बेहतरीन है कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर अगर यहां सत्ताईस हो यहां उन्तीस हो क्या होगा सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस और सबसे बेस्ट प्रोसेस है दोनों का दोनों सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ओके okay. चलो फिर तो हम लोग बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ तो आज के सेट का जो पहला डिस्कशन है देखिए क्या है पहला क्वेश्चन है 26 नंबर में यदि एपल्स को एक दो दो चार पांच छह और कैंसिल को अगर ये लिखा जाता है क्लीननेस को क्या लिखा जाएगा क्लीनेस को क्या लिखा जाएगा ध्यान से देखिएगा क्लीनेस को क्या लिखा जाएगा यही पूछ रहा है ना कि क्लीनेस को क्या लिखा जाएगा कुछ नहीं कर रहा है कॉपी पेस्ट कर दो सी का नाइन हो जाएगा सी का नाइन हो जाएगा एल का क्या होगा लास्ट लेटर है मतलब कि हो जाएगा अब ई e, ए का क्या हो जाएगा तो ई e और ए e का मतलब पांच और एक पांच एक हो जाएगा एन का कोड क्या होगा तो एन यहां पर है अंतिम से चौथा सॉरी एन यहां पर है तीसरा नंबर तीसरे नंबर पे कौन है आठ फिर ई का तो आप पांच लिख ही लिए हैं। है ना और डबल एस एस का कोड छ मतलब डबल सिक्स हो जाएगा मतलब नौ सौ पैतालीस एक सौ पचासी तो नौ सौ पैतालीस एक सौ पचासी और छियासठ का मतलब ऑप्शन सी तो करना क्या था भाई तो करना था सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था क्या करना था कॉपी पेस्ट करना था कॉपी पेस्ट ही करना था ना देख देख करके बस कोड को लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा तो जरा बताइए कहीं से कोई दिक्कत हुई कोई दिक्कत नहीं हुई तो चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन है सताइस क्या कह रहे नीचे प्रश्न चिन्ह को चुनिये जो मतलब कि अगर पहला टर्म है पंद्रह फिर दूसरा टर्म सात सौ पैंतालीस नहीं लग रहा है कि आधा करके कुछ कर रहा है वो फिर देखिए तीन सौ सत्तर फिर देखिए आधा किया फिर देखिए एक सौ अस्सी मतलब आधा करने के बाद भी कुछ कुछ घटा रहा है है ना फिर सतासी दशमलव पांच तो अगला क्या होगा बड़ी आसानी से हो जाएगा सबसे पहले अगर यहाँ की अगर बात करते हैं तो आधा तो किया ही किया है और जब आधा करेंगे तो साढ़े सात सौ होगा पंद्रह सौ का आधा कितना साढ़े सात सौ होगा कि नहीं होगा आ यहाँ पर सात सौ पैंतालीस का अगर आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा तीन सौ बहत्तर दशमलव डिग्री तीन सौ सत्तर का अगर आधा करते हैं तो एक सौ पचासी होता है आधा करके पहले देखो पंद्रह सौ का आधा साढ़े सात सौ सात सौ पैंतालीस का आधा तीन सौ बहत्तर दशमलव तीन सौ सत्तर का आधा एक सौ एक सौ सौ अस्सी का आधा कितना नब्बे तो अब बताइए कि सतासी दशमलव पांच का आधा कितना हो जाएगा तो छियासी का आधा हो जाएगा बयालीस कितना बयालीस छियासी का आधा ओहो तैतालीस ना होगा तैतालीस दो न छिया तैतालीस दशमलव कितना हो जाएगा सात पांच होगा कि नहीं होगा तैतालीस दशमलव सात पांच होगा हम आधा तो कर दिए लेकिन आधा में यहां पर देखिएगा आधा के बाद ना पांच घटाया लेकिन यहां पर आधा के बाद आधा तो किया ही किया आधा तो हम भी किए हैं और उसमें से क्या कर दिया है दो दशमलव पांच घटाया है फिर यहां पर क्या किया एक है आधा किया पहले आधा करने के बाद फिर पांच घटाया मतलब आधा तो हर में कर रहा है एक बार पांच घटा रहा है एक बार ढाई घटा रहा है फिर एक बार पांच घटा रहा है फिर यहां पर देखो आधा तो किया ये नब्बे अब फिर आधा करने के बाद दो दशमलव पांच घटा दिया तो अब अगली बार जो होगा आधा तो किया ही किया है आधा किए तो तैतालीस दशमलव कर देंगे तो पांच जब करेंगे कितना हो जाएगा अड़तीस दशमलव पचहत्तर कितना हो जाएगा अड़तीस दशमलव पचहत्तर का मतलब बी नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन कहीं से कोई दिक्कत बड़ा अच्छा सवाल था नहीं सवाल तो बहुत अच्छा था तो अब समझ में आ गया स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले सकते हैं सबको पहले आधा आधा हम कर लिए एक बार पांच घटा एक बार ढाई घटा फिर पांच घटा ढाई घटा पांच घट जाएंगे आंसर ये बनाने का शॉर्ट्रक शॉर्टकट मेथड हुआ क्योंकि आधा तो सब में कर रहे थे हम आधा करते गए आधा करते गए आधा करते गए किए ना आधा, आधा 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 फिर एक बार पांच घटा फिर एक बार ढाई घटा फिर पांच घटा ढाई घटा पांच घट गया आंसर हो गया नहीं चलो अगला क्वेश्चन अट्ठाईस यदि एक तरीके के तीन प्लस चार इक्वल टू पच्चीस कैसे कोई ला सकता है तो तीन का स्क्वायर और प्लस चार का स्क्वायर सोलह नौ पच्चीस आ गया चलो एक मेथड से तो एक आ गया उसी तरह से सात प्लस चौबीस इक्वल टू छ सौ पच्चीस तो सात का स्क्वायर उनचास और प्लस चौबीस का स्क्वायर सात का स्क्वायर प्लस चौबीस का स्क्वायर कितना हो जाएगा चौबीस का स्क्वायर पांच सौ छिहत्तर होता है ना अब पांच सौ छिहत्तर और उनचास बिल्कुल सही इज इक्वल टू छे आ गया तो अब हम लोग आंसर भी निकाल सकते हैं तो किसका पूछ रहा है नौ प्लस चालीस इज इक्वल टू पार्ट पूछ रहा है तो नौ का स्क्वायर इक्यासी और प्लस चालीस का स्क्वायर सोलह सो मतलब सोलह सो इक्यासी आपका आंसर हो जाएगा बताइए कहीं से कोई शक कोई दिक्कत नहीं ना तो आंसर क्या हो जाएगा जी सोलह हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर सोलह क्लियर ओके तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है उनतीस नंबर में कथन और निष्कर्ष है कह रहा ध्वनि जो है निर्वात में संचरण नहीं करती है मतलब वैक्यूम में संचरण नहीं करती है मतलब फ्लो नहीं कर पाती है ध्वनि साउंड जो है वैक्यूम में संचरण नहीं कर पाती है तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि हम वैक्यूम में विस्फोट की आवाज नहीं सुन सकते बिल्कुल सही क्योंकि वो विचरण संचरण करेगा ही नहीं तो कहां से आवाज सुनाई देगी दूसरा कह रहा है हम वातावरण में हम वातावरण विस्फोट की आवाज नहीं सुन सकते दूसरा गलत वो वैक्यूम की बात कर रहा है ये वातावरण की बात कर रहा है तो केवल निष्कर्ष एक सही है तो आंसर क्या चला जाएगा डी नंबर आंसर डी जो भी बच्चे किए हैं हर एक का सही है तो आंसर क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा डी कोई दिक्कत नहीं तो चलिए अगला सवाल तीस नंबर क्या कह रहा है देखिएगा तो आठ लड़के पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृताकार मेज पर बैठे हुए हैं चलो ये आठ लोग हैं वृताकार मेज के चारों ओर सबको बैठाना है तो चलिए बैठाते हैं पहला कह रहा है P और Q एक दूसरे के सामने बैठे हैं चलो P और Q एक दूसरे के सामने बैठे हैं ये लाइन हमने बैठा दिया अगला लाइन एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है अब एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और भी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और भी कहां पर तो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर तो एस जो है वो पी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है और भी जो है वो क्यू के दाएं दूसरा बैठा हुआ है ये भी बैठ गया आगे क्या कह रहा है टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो आगे कह रहा है टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने बैठे हैं और डब्ल्यू पी का पड़ोसी नहीं है तो, तो डब्ल्यू पी का अब टी और डब्ल्यू कहां बैठे हुए हैं आमने सामने तो टी और डब्ल्यू आमने सामने का मतलब यही हो सकता है या यहां हो सकता है एक बात बताइए कि W जब इन दो जगहों पे नहीं होगा तो W या तो यहां पे होगा W या तो यहां होगा होगा कि नहीं होगा तो T और W R P और V के बीच में बैठा है ये लाइन को भी देखना है तो R जो है वो P और V के बीच में बैठा हुआ तब तो T और W यही ना होगा आरपी और भी के बीच बैठा है तो पहले उसको यूज कर लिए अब पी के बगल में नहीं बैठा हुआ है तो गया एक व्यक्ति कौन बच गया है पी क्यू आर एस टी यू बच गया है कौन बच गया है यू बच गया है अब आपसे सवाल पूछ रहा है क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिएगा क्यू के संबंध में टी की स्थिति क्या है तो Q के संबंध में T की स्थिति क्या है बाई और तीसरा बाई और तीसरा का मतलब आंसर A हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा A कि बाई और तीसरा है Q से वो किधर है बाई और तीसरा चलो फिर अगला सवाल नंबर क्या कह रहे हैं कुछ अकाउंटेंट प्रबंधक मान लो अकाउंटेंट हो गया आ, कुछ अकाउंटेंट जो है वो प्रबंधक है आ, कुछ अकाउंटेंट कैशियर है आ, कुछ अकाउंटेंट कैशियर है डायग्राम तो बन गया पहला निष्कर्ष क्या कह रहे हैं तो सभी कैशियर अकाउंटेंट एक तो कैशियर का अकाउंटेंट से कोई लेना देना नहीं है दोनों अलग अलग तो क्या सभी अकाउंटेंट कैशियर हैं या सभी कैशियर अकाउंटेंट है आप कन्फर्म कर पाइएगा आप नहीं सर कन्फर्म तो नहीं है दूसरा कुछ प्रबंधक अकाउंटेंट है कुछ प्रबंधक अकाउंटेंट है एकदम सही क्योंकि इतना जो प्रबंधक है वो अकाउंटेंट भी है तो दूसरा बिल्कुल सही तो क्या कहिएगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है तो आंसर तब क्या चला जाएगा ए चला जाएगा क्या चला जाएगा ए नंबर डन ओके तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ा जाए अगला सवाल है बत्तीस नंबर क्या कह रहा है ध्यान से देखिए यदि गुना का अर्थ है भाग तो चलो हमने यहां पर भाग कर लिया माइनस का अर्थ है गुना गुना कर लिया अब भाग का अर्थ है प्लस प्लस कर लिया है ना और प्लस का अर्थ है माइनस तो मैंने माइनस कर लिया तो कितना हो जाएगा जरा बताइए पंद्रह या पचहत्तर और ग्यारह पंद्रह तिया, पचहत्तर और ग्यारह कितना हो जाएगा सॉरी पंद, पंद्रह तिया, पचहत्तर होगा जी देखिए देख रहे हैं कैसी गलती होती है तो पंद्रह तिया, 45 अब पैंतालीस और ग्यारह छप्पन हो जाएगा अब भागा आठ क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का यूज कीजिएगा ना आप तो पंद्रह पैंतालीस प्लस ग्यारह 45 में ग्यारह जोड़िएगा तो छप्पन ना होगा छप्पन अच्छा भाग आठ और माइनस सात तो छप्पन में जब आठ से भाग लगाइएगा तो सात माइनस सात अब कितना जाएगा जीरो जीरो का मतलब डी नंबर आंसर हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डन ओके अगला सवाल 33. जब आप इसको मोरेंगे हर जगह पर देखिए ऑप्शन में बाएं से दाएं मोरा गया है तो बाएं से दाएं मोरा गया है तो सबसे पहले तो देखिए ये वाली चीजें जो पहली की स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए तो चलो यहां पर भी कोई बदलाव नहीं है लेकिन यहां पर तो बदलाव है ना जी सी नहीं होगा यहां पर पे तो बदलाव है ना तो बी नहीं होगा बी सी तो होगा नहीं ए या डी अब जब इसको इधर फोल्ड करेंगे तो सेम फिगर है तो जैसा इधर बना है वैसा इधर भी बनेगा तो सर दोनों तरफ तो है ही इधर भी है और इधर भी है लेकिन एक बात बताइए ये जो लाइन है ऐसा ये लाइन आपको ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा जाएगा ना और यहीं पर वो इस तरह से बनेगा तो ऐसा किस में दिया हुआ है डी नंबर में दिया हुआ है ए में नहीं किसमें दिया हुआ है डी नंबर क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे आएगा कि नहीं आएगा आएगा ना मिडिल पॉइंट पर एग्जैक्ट फिगर ये भी नहीं दिया हुआ है लेकिन चारों में मैच करवाएंगे तो डी चला जाएगा तो बताइए 33 का आंसर क्या चला जाएगा डी ओके चलो अगला सवाल की तरफ बढ़िए चौतीस नंबर में ध्यान से देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है सबसे पहले ये एरो की स्थिति यहां पर है अब वो एक स्थान नीचे खिसकर मिडल में खिसक करके आया इसकी पोजिशन इधर थी तो इधर से चेंज हो गई फिर ये एक स्थान नीचे उतरा और ये जो इधर की स्थिति थी फिर इधर हो गई मुंह बदल रहा है लेकिन एक बार अंत में फिर यहां और फिर यहां आया यहां 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 तो इस तीनों का रिलेशन एक बार देखिए ठीक है फिर ये क्या हुआ तो फिर अगले में ये ऊपर चला गया ऊपर चला गया तो फिर इसकी स्थिति बदली बदली कि नहीं बदली ठीक फिर यह यहां से फिर ये यहां नीचे आया तो फिर इसकी स्थिति बदली तो अगले में ये कहा जाएगा तो ये लाइन तो यहां पर आ जाएगा अब ये लास्ट में रह गया फिर बीच में आया अब फिर ये क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा ये स्थिति बदल करके ऐसी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति बी में नहीं है सी में नहीं है तो काट दीजिए अब देखो अब हर बार नया फिगर आ रहा है हर बार क्या नया फिगर तो ये फिगर फिर ये एक, एक स्थान खिसका यहां से ये एक स्थान खिसका फिर यहां से एक और दो यहां आ गया स्टार फिर यहां से देखिएगा तो एक दो तीन फिर ये रिपीट हो रहा है ये ये रिपीट हो रहा है फिर यहां से वो जब तीन स्थान एक दो तीन स्थान खिसक करके यहां आया तब यहां से एक दो तीन चार स्थान पर प्लस यहां आ गया तो यहां से ये क्लॉक वाइज घूमेगा तो एक दो तीन चार यहां पे तो ये कितना स्थान खिसका एक दो तीन चार स्थान खिसका तब पांच स्थान खिसकाएंगे यहां से पांच स्थान एक खिस्का? दो तीन चार और पांच मतलब स्टार आपको कहा आ जाएगा यहां पर तो फिगर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा फिगर ए चौतीस का ए नंबर डन क्लियर अगला सवाल पैंतीस। बड़ा अच्छा सवाल है यह दिमाग लगाइए इसमें क्या किया गया है इसमें क्या किया गया तो रिलेशन इस तरह से रिलेशन इस तरह से किसी ने किसी दो को कुछ ना कुछ करके तीसरा पॉइंट ये क्या किया है ना कि चौबीस का आधा किया है ये जो चौबीस का आधा बारह छप्पन का आधा अट्ठाईस ध्यान से देखिएगा चौबीस का आधा बारह किया है मतलब आधा किया है कितना आधा कर रहा है इस तीनों में वो आधा आधा कर रहा है तो चौबीस का आधा बारह इसमें इसको जोड़ दिया है बारह प्लस उनचास कीजिए तो इकसठ आ जाता है छियासठ जो है 28 में छियासठ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा चौरानवे हो जाएगा हो जाएगा चौरानवे आ गया तो उसी तरह से बत्तीस का आधा कितना हो जाएगा ये बताइए सोलह आईस में इसको इकसठ को जोड़ देंगे तो सोलह प्लस इकसठ कितना सतहत्तर आपका आंसर आ गया तो सतहत्तर का मतलब ए नंबर आंसर मतलब पहला टर्म को आधा करके तीसरा टर्म जोड़ दीजिए तो बीच का टर्म जो है इकसठ आ जाएगा उनचास आ जाएगा और सतहत्तर आ जाएगा कहीं से कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना समझ गए क्वेश्चन ओके तो अगला सवाल देखिएगा छत्तीस नंबर में श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से ऑस्ट्रिया का संबंध यदि वियना से तो जॉर्डन का संबंध किससे? तो यहां पर क्या दिया गया राजधानी दी गई है क्या दी गई है राजधानी दी गई है राजधानी दी गई है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना तो जॉर्डन की राजधानी होती है वो अम्मान होती है क्या होती है अम्मान तो जॉर्डन की राजधानी कहां पर अम्मान होती है ठीक है तो ऑप्शन से बी चला जाएगा अगला सवाल सैतीस नंबर क्या कह रहा है देखिएगा देखिएगा ई से जी जाते हैं तो दो बढ़ाया है। फिर जी से आई जाते हैं तो दो बढ़ाया है। तो हम भी यहां पर दो बढ़ा देंगे तो दो बढ़ाएंगे तो नौ दो ग्यारह का मतलब क्या हो जाएगा अब फिर ग्यारह दो तेरह हो भी गया अब यहां पर एल एल एल, एल तो एल तब तो फिक्स होगा और एल फिक्स है उसके बाद देखिए तो दो आठ दो दस दो बारह हो जाएगा बारह दो चौदह फिर देखिए फिक्स फिक्स है तो तो पर भी फिक्स होगा तो आपका आंसर क्या चला गया के डबल एल ए क्या हो जाएगा के डबल एल ए सर सीरीज क्या चल रहा है तो सीरीज जो चल रहा है प्लस दो फिर प्लस जीरो फिर प्लस दो प्लस जीरो की सीरीज कंटिन्यू समझ गया ओके अगला सवाल अड़तीस क्या कह रहा है एक कूट भाषा में फिजिक्स को क्या कोट किया जा रहा है सी एच आई पी एस एस वाई आपको लग रहा होगा कि ये जो है सारे के सारे क्या है वर्णमाला के अनुसार वर्णमाला के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखा गया है किसमें बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है ना और वो कुछ नहीं किया है तो हमसे भी पूछ रहा है हिस्ट्री हिस्ट्री को क्या कोड किया जाएगा तो हम भी क्या कर देंगे वर्णमाला के बढ़ते तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा बताइए एच ही आएगा एच के बाद आई आए आएगा आई आए के बाद पहले ओ आएगा फिर आर आएगा फिर एस आएगा टी आएगा और वाई आएगा एच आई ओ आर एस टी वाई तो हमने भी क्या किया अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में हमने भी सजा दिया तो क्या किया था वर्णमाला के अनुसार बढ़ते क्रम में वो सजा दिया तो हम भी इसको बढ़ते क्रम में सजा दिए समझ गया शिफ्टिंग ऑफ लेटर्स कीजिएगा अगर लेटर की शिफ्टिंग तो नहीं बनेगा ये और धूम मचाए हुए है ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं अगला सवाल उनचालीस क्या कह रहे देखिएगा यदि फ्लाई को दो एक्सेस को ये लिखा जाता है ठीक है में, खुरुप में तो नीचे दिए गए साइकिल किसका पूछ रहा है साइकिल करने को क्या कह रहा है वो बस कॉपी पेस्ट क्या करना है कॉपी पेस्ट सी वाई का सी का कोड क्या हो जाएगा बताइए सी दूसरा लेटर मतलब कि नाइन हो जाएगा और वाई का कोड क्या पांच हो जाएगा एल का कोड क्या आठ हो जाएगा सी का कोड तो नाइन है ही ई e का कोड क्या हो जाएगा जरा बताइए ई e अंतिम से तीसरा तो अंतिम से तीसरा का मतलब सेवन नाइन फाइव नाइन एट सेवन नाइन फाइव नाइन एट सेवन का मतलब ए नंबर सिर्फ क्या करना था कॉपी पेस्ट करना था क्लियर अगला सवाल सवाल नंबर चालीस क्या कह है? देखिएगा देखिए ए एच बी एच ए एच बी एच को उल्टा लिख दिया गया है तो हम भी क्या करेंगे वाई एफ जी टी को उल्टा लिखेंगे तो टी पहले आ जाएगा जो लास्ट में था जी यहां आ जाएगा एफ यहां आ जाएगा और वाई यहां आ जाएगा हो जाएगा मतलब टी जी एफ वाई तो टीजीएफवाई का मतलब ऑप्शन बी मतलब कि विपरीत करके लिख दिया है तो हमने भी क्या किया विपरीत किया और उसको लिख दिया क्लियर है चलो फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इकतालीस तीन है सात है पंद्रह है इकतीस है है, तो अगला क्या होगा दो लॉजिक एक तो गुना दो प्लस वन गुना दो प्लस वन गुना दो प्लस वन गुना दो प्लस वन तो गुना दो प्लस वन में आंसर क्या हो जाएगा तिरसठ गुना एक सौ छब्बीस और एक एक सौ सत्ताईस दूसरा चार जोड़ा, आठ जोड़ा, सोलह जोड़ा, बत्तीस जोड़ा। तो अगला चौसठ जोड़ दीजिए फिर भी आपका आंसर वही आएगा क्या तो एक सौ सताइस नहीं ओके? चलो अगला सवाल बयालीस नंबर क्या रहा है कि इसका जब आप इमेज बनाओगे तो इमेज कैसा बनेगा सिंपल सी लॉजिक है ये जो एरो है ये आपको ऐसी बनेगी बनेगी ना बीच का लाइन खाली नहीं होगा तो ए नंबर देखिए कट हो गया बी नंबर सी नंबर देखिए कट हो गया अब बी होगा या डी होगा उसके बाद ये सर्कल इधर आ जाएगा और ये सर्कल इधर जब ये आमने सामने है तो आमने सामने होगा तो चलिए ये इधर से होगा इधर से लेकिन इसकी पोजिशन देखिए बदली नहीं गई है आंसर बी होगा क्या हो जाएगा आंसर बी कोई दिक्कत नहीं ना चलो फिर अगला सवाल तैतालीस नंबर में क्या किया गया है क्या लगता है आपको यदि नौ का संबंध अट्ठाइस से तो छप्पन का संबंध से होगा एक लॉजिक तो क्लियर हो रही है कि नौ को अट्ठाइस से गुना तीन आप प्लस एक किया है तो हम भी एक बार करके देखते हैं गुना तीन प्लस एक तो एक सौ अड़सठ और, और एक, एक सौ उनहत्तर हो जाएगा आ, आंसर दिया हुआ भी है तो ऑप्शन क्या चला जाएगा डी तो सिंपल सा लॉजिक था कि तीन गुना किया है और प्लस एक किया है तीन गुना करके और प्लस एक किया है ना ओके okay. अगला सवाल चौवालीस छह बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हैं अब सभी के सभी कहां खड़े हैं तो एक पंक्ति में खड़े हैं बी एफ और डी के बीच में खड़ा है बी एफ और डी के बीच में खड़ा है एक तो ये हो सकता है या डी इधर भी हो सकता है तो चलो ये लाइन कंप्लीट बी एफ और डी के बीच में खड़ा है ई e, ए और सी के बीच में खड़ा है छोड़ दीजिए ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है ए जो है डी और एफ का पड़ोसी नहीं सी डी का पड़ोसी नहीं है किंतु एफ के निकटतम दाई ओर है अब देखो सी डी का पड़ोसी नहीं है किंतु एफ के निकटतम दाई ओर है तो F के निकटतम दाई ओर तो होगा नहीं इसका मतलब हम जो ये बैठाए हैं वो गलत बैठाए हैं तो एफ यहां हो जाएगा डी यहां है अब इस लाइन को मिलाओ कि सी डी का पड़ोसी नहीं किंतु एफ के निकटतम दाई ओर है सी अब पहले का लाइन ई ए और सी के बीच में खड़ा है ई ए और सी के बीच में खड़ा है ई e कहां पर तो ए और सी के बीच में खड़ा है हो गया ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है वैसे भी नहीं होगा तो ये लाइन तो फालतू ही दिया हुआ है ए डी और एफ पड़ोसी नहीं है है तो फालतू ही दिया हुआ क्वेश्चन तो इतना से ही सॉल्व हो गया हो गया कि नहीं तो कह रहे एफ निम्नलिखित जोड़ियों में से किस जोड़ी के बीच बैठा हुआ है तो एफ बी और सी के बीच में बैठा हुआ है एफ किसके बीच में बी और सी के बीच में बैठा हुआ है तो ऑप्शन कहां हो जाएगा ए हो जाएगा होगा चलो अगला सवाल किसी कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग टेबल को क्या कोड किया जा रहा है आई पी एफ ई एक्स तो बताइए स्क्रैप को क्या लिखा जाएगा तो स्क्रैप को क्या लिखा जाएगा अगर हम ऐसे रिलेशन देखते हैं तो बीस और नौ ग्यारह का अंतर है यहां 15 का अंतर है यहां फिर चार का मतलब कि इस तरह से रिलेशन नहीं बन रहा है लेकिन अगर इस तरह से रिलेशन देखें तो माइनस चार फिर यहां पर सॉरी प्लस चार फिर यहां पर प्लस चार फिर यहां पर प्लस चार फिर यहां पर प्लस चार और फिर यहाँ पर चार। प्लस चार मतलब किया है वही प्लस चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार ही किया है लेकिन लिखा कहा है यहाँ 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 तो सोलह चार बीस यहा हो जाएगा एक प्लस चार पांच यहाँ हो जाएगा अठारह चार बाईस यहाँ हो जाएगा तीन प्लस चार सात यहां हो जाएगा उन्नीस सत्ताइस यहां हो जाएगा मतलब टीईब्लू वी जी डब्ल्यू का मतलब ऑप्शन ए क्या है ऑप्शन ए सिंपली देखे तो मैच नहीं कर रहा था और ना ही कोई कंसेप्ट निकल करके आ रहा था लेकिन जैसे ही रिवर्स करके देखे लॉजिक मैच कर गया कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं ना अगला सवाल छियालीस नंबर क्या लगता है इस डायग्राम को सबसे बेस्ट क्या तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है लेकिन यहां पर डॉक्टर नर्स और रोगी तो होगा नहीं क्योंकि सभी का है सभी अंदर में है दो चीजें एक के अंदर में तो डॉक्टर नहीं नर्स के अंदर में या नर्स डॉक्टर ऐसा तो नहीं कर सकते ठीक है घरेलू पशु कुत्ता और भैंस ये होगा ये हो जाएगा घरेलू पशु कुत्ता भी घरेलू पशु होता है और भैंस भी घरेलू पशु होता है तो बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा छियालीस का बी ठीक है डन ओके okay. अगला सवाल सैतालीस नंबर में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा कह रहा है यहां पर क्या मिसिंग है तो सबसे पहले तो ये मिसिंग है अब उसके बाद देखिए ये यह जो यहां था ये यह नीचे आ गया तो फिर अब जो होगा ये इधर आ जाएगा कलर किया हुआ पार्ट होगा कि नहीं फिर ये ऊपर हो रहा है देखिए तो घूम रहा है तो इस तरह की चीजें यहां पर नहीं है सी में है बी में नहीं है डी में नहीं तो बेस्ट फिगर क्या चला जाएगा 47 का सी ठीक है ये घूम रहा है समझिए आंख है आंख धीरे धीरे घूम रहा है ठीक है अगर हम बात करें पहला अगर यहां पर दिया हुआ है दूसरा अगर यहां पे दिया हुआ है तो तीसरा तब तो यही ना आएगा आएगा कि नहीं चौथा यहां पर दिया हुआ है तो बताइए यही ना मिसिंग था ये चीजें में है सी में। ओके? यदि कैलकुलेटर का संबंध गणना से तो कैलकुलेटर किस काम आता है गणना करने के काम आता है तो संगीत में क्या चीज काम आएगा तुरही नोटबुक तो होगा नहीं फोन तो होगा नहीं पक्षी तो होगा नहीं तुरही ट्रम्पेट जो होता है ट्रम्पेट प्लेयर होता है ना तो ट्रम्पेट किसमें संगीत में यूज होता है ट्रम्पेट का यूज संगीत में कैलकुलेटर का यूज गणना के लिए ट्रम्पेट का यूज संगीत के लिए तो उसी तरह से कैलकुलेटर का यूज गणना करने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन ए चला जाएगा क्या चला जाएगा ए डन अगला सवाल उनचास नंबर देखिए बड़ा अच्छा सवाल है क्या है कि छह व्यक्तियों में से एबीसीडी अपने यह ज्ञात है कि एक कम से कम तीन व्यक्तियों की तुलना में लंबा है अब मान लो एक दो तीन चार पांच और छ अब एक कम से कम तीन व्यक्तियों से लंबा है तो ए यहां पर हो सकता है या ए दो नंबर पे या ए सबसे लंबा हो सकता है लेकिन तीन से लंबा है वो ए कम से कम तीन व्यक्तियों की तुलना में लंबा है सी बी से लंबा है जो कि ठीक एक व्यक्ति से लंबा है अब देखिए सी बी से लंबा है जो कि, तो जो कि किसके लिए बी के लिए जो कि ठीक एक व्यक्ति से लंबा है इसका मतलब तब भी यहां हो जाएगा सी बी से लंबा है सी बी से लंबा है अभी ठीक एक व्यक्ति से लंबा है ठीक है डी सी से छोटा नहीं है मतलब डी सी से बड़ा है डी सी से छोटा नहीं है अब आगे क्या कह रहा है? ए e, से लंबा है अब ई e, अगर ए से लंबा है तो ए एक पर तो हो नहीं सकता है ई e, ए से लंबा है और डी ए से छोटा है और जो है, वो ए से छोटा है इसका मतलब ए से छोटे तीन लोग है ना ए से छोटे डी भी सी भी बी भी तो बी सी डी मतलब ए फिक्स ना तब यहां पे होगा क्योंकि ए से छोटा डी और डी से छोटा सी अब बताइए कि ई e, ए से लंबा है तो ई e, यहां पर एफ तब यहां पर हो गया सेट तो उन सब में चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है चौथा सबसे छोटा व्यक्ति जो होगा वो कौन हो जाएगा तो बी हो जाएगा चौथा सबसे छोटा व्यक्ति अच्छा ये तो चौथा सबसे बड़ा व्यक्ति ना हो गया जी तो चौथा सबसे छोटा व्यक्ति ये नहीं होगा चौथा सबसे छोटा सबसे छोटा एक दो तीन चार चौथा सबसे छोटा व्यक्ति डी हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है चलो लास्ट सवाल क्या कह रहा है ये आकृति देखिएगा यहां से देखिएगा एकदम बीच से है इस तरह से ये वाला खंड बन रहा है ये और यहां से एक स्क्वायर कट रहा है अगर आप इसमें देखें तो सर्किल को पूरा नहीं किया गया है सर्कल देखिए इतना तक ही है। ए नंबर कट हो गया अब बी सी या डी अब इसमें देखिए ये स्क्वायर कटा हुआ है तो ए और डी तो कैंसिल हो गया अब बी में देखते हैं तो बी में देखते हैं तो यहां पर ये दिया हुआ है सी भी हो सकता है दिया हुआ है ना वैसा ही देखिए और आधे से ऊपर से लिया हुआ भी है और एक अगर यहां से देखते हैं अब कौन एडजेक्ट लग रहा है तो ज्यादा एडजेक्ट कौन लग रहा है तो सी और बी दोनों लग रहा है इसका आंसर बी एंड सी बोथ हो जाएगा ठीक है एकदम सेम दिया हुआ क्या कीजिएगा कभी कभी ऑप्शन नॉन वर्बल में ऐसा हो जाता है कि लगेगा कि नहीं ये भी होगा ये भी होगा ठीक है तो सर आंसर क्या करेंगे देखिए आंसर इसमें करना क्या बी भी, भी सही है सी भी सही है दोनों में एकदम हु बहु दुख रहा है ठीक है तो जो पहले आएगा चलिए आंसर करते हैं लेकिन लॉजिक ये गलत है ठीक है ना तो चलो फिर कल हम लोग फिर से लाइव होते हैं सेम टाइम पे तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट सबको बाय बाय